बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे वालों, सारे मेरे भैन के भरावों नूं अल्लाह पाक हमेशा थानू खुश रखे, आबाद रखे। जिहड़े दुख तकलीफां अल्लाह पाक थोड़े दूर करे, जिंदगी च खुशियां ही खुशियां भरदे आ। मीन टू मामीन, वीडियो शुरू करने तो पहले एक रिक्वेस्ट की, अगर तो सारा चैनल जैसे विलेज फूड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, जो बैल बटन प्रेस कर लो ताकि सभी आने वाली हर वीडियो बर वक्त थानू मिल सके। अच्छा जी, अज मैं बना लगी हूँ दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ दाल वाली रोटी। दाल वाली रोटी कह लो, मिसी रोटी कह लो, अम्मी जी बनाते होंगे सी जो असं छोटे होंगे सी, इतनी है मज़े की बनती है ना। तो दाल मैं राती बनाई थी दाल चावल, तो दाल में मतलब अगे मसाले जो मैं चावल बॉयल करती हूँ थोड़े तेज़ पानी हूँ क्योंकि फिर चावल फिके होंगे ने इस करके। तो ये मैं कोई नमक कोई कुछ नहीं पाऊँगी, ये सब कुछ पूरा वा, ए होगी दाल तो यह चावल। तो यह मैं दाल जी है ना आटे के गुन्न लगी हाँ, बिस्मिल्लाह पानी नहीं पावे असं दाल इन्हें गुन्ना। दाल में सारी पा के पाल उधर रखी जाता वा, तो ये दाल के मैं गुन रही हूँ, कोई पानी है देखो साफ सुथरा पिया, मैं हाथ भी नहीं पानी लगाया, ना आटा इन्ना नरम रखना वा तो ना इन्ना रखना सख्त। ठीक हो गया। अच्छा जी, हम असी दाल में जरा ना गुन लाँगे। अम्मी जी की याद आ रही है, जिसके मामा ही लवा दी हैं। रात में जब गोली लेने का जान तो बनी सी। मैं सवेरे गया सब आज प्यान दी तैयारी चक्कर लावा दी सब बिस्मिल्लाह ना अपना घर किड्डी सोनी धूप है माशाल्लाह। हां जी, धूप दे विच मिसी रोटी बस हल्का हल्का कर पानी पा के पर अच्छी तरह आटे गूंथ। आई तेरी सहेली नहीं आई? नहीं। हां जी, सवेरे आई सी? नहीं, वो सारे घर जांदी भाजी घर जांदी है भाजी, असल जानी भाजी असलम के घर पुराने घर बड़िया चूहिया वा, बस किस दिन शिकार नहीं होंगे जिदन हो जाए फिर नहीं आती। बस अज का मूंह सलूना हो गया फिर। मुक्की मुक्की मार चुकी है हला जी, मैं आटा गुन लिया अच्छी तरह, प्रणाली भी साफ हो गई है, आटे की दौन भी ला दी है, दाल वाला आटा गुज गया वा, हाथ में काफ़ी दाल लगी है। हम मैं उपर देव छैबा तो 10-15 मिनट वास्ते असं ना आटा रखा, आटा सा सैट हो जाए तो इनू मतलब सुकी रोटी भी बनाया जा सकता वा। अगर तुम उपर मक्खन है तो मक्खन लगा के खा लो, सोने से सुहागा मक्खन मेरे को पिया, मैं पराठे से नहीं घी लगाऊंगी क्योंकि अगर मेदियां का सत्यानाश होया तो मैं रोटी उपर मक्खन लगाऊंगी। अच्छा जी, ए मैं ना मक्खन मक्खियां तो महफूज करके रखे हुआ, मक्खियां तो कोई शायद महफूज रह सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मैं बाजो रेसिपियां बनाते थे ना इन्ना जलील कर दिया ना मक्खियां, लेकिन ऐत की पता की करना है, ऐतकी मैं सोचा होया इन दाल ए सर्दियां लंघ जांदियां ना ते हैं वखरा नहीं बना देना क्योंकि रेसिपियां असी जेड़ा साडा देसी साहब है ते असा सेटअप ही एवें दा बनाना है, ओपन ही होना सारा हिसाब किताब। ते मैं एक माइक लैके आना एदे वास्ते आईफोन वास्ते, ते ये मक्खियां नूं भजाण वास्ते जेड़ा वो पखा चला लिया, इन्हां दे इही हाल है। पखा चलाया कि फिर चूल्हे की वार नहीं लगनी करनी स्यापा स्यापा स्प्रे खुली वाह कि असर कर दे छिड़क दिता तो परे करके असर भी होगा इतने भाने को असर को नहीं होना। शर्म यार लाई पई ने ਜਿਹੜੇ 2 ਮਿੰਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ ਛਾਪਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਗੇਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ,
पेड़ा लवेंगे, पेड़े हल्के हाथों में बेल लेंगे। ज्यादा रोटी जी मिस्सी होंगी ना थप्पड़ नहीं जल्दी होंगी, इस करके अच्छा मैं जरा ना बेलन लैके आई हूँ। अम्मी जी तो बना लेंगे लेकिन मैं पहली दफा बना रही हूँ। अम्मी जी के हाथ की बड़ी बारी खाधी है, अम्मी या मामा टेस्ट है उन्होंने अगे बनाई। खांदी रही आज खवा हब का के तेन लग पता जावे दा। इंशाल्लाह अल्लाह चंगियां करूगा, अल्लाह पाक इस तरह रखना। वेलना किती बेलना देखो है ये पुराना बेलना थोड़े और बाजी सेवरा दिवारी वाला अच्छा अच्छा जेड़ मैं लेके से भी ये पिया तो डंडा किते डंडा की करना मेरे हाथ से जिंदा बात चौक के दो तफेला आसु ते तवेल कर सु एडा प्यार ये टोटे हो जाने ये थे। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਈਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਵੇ ਨਾ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਦੇ ਤਾਂ ਤੱਫੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਜਾਵੇ। ਹੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਵੇ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਕਰ ਛੇਣੀ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਨਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਕਹਵੇ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਨਵਰਾਨ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਦਿਖਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਜੋ ਨੇ रोटी रोटी बना पराठा बना एज यू विश पराठा बना ले सड़े ही के हाथ के नहीं बच गई माशाल्लाह। इतनी मजे दी हुंदी है ना सही बन गई है ते बस नवरा बस नवरा फोन करे रोटी ना खा के आवे अच्छा के मिसियां बन रही हैं मक्खन दा टेला ते मैं चुके जी मैं किले ते 10 12 बोरियां बजियां ने ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਪਰ ਚੋਪੜ ਤੇ ਖਾਵਾਂਗੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਾਠਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਪਰਾਠਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾ ਚਬਾਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਇਹ ਵੀ ਬੀਬੀ ਰੋਟੀ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਐਸਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੇ ਟਾਈਮ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਰ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਕੌਰਨਫਲੋਰ ਦਾ ਪਾ ਲਓ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ। ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਸੇਕਣਾ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਦਾਲ ਵਾਲੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਬੈਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਆਏਗੀ ਮੱਖਣ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਲਗਾਉਂਗੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਕਾ ਲਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਕਾ ਲਵਾਂ ਜੇ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਾਲ ਘਰ ਚ ਬਣੀ ਆ ਦਾਲ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਦਾਲ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੀ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਕਦੀ ਚਾਵਲ ਬੋਇਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਡਾਡੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਾਦ ਜ਼ਰਾ ਮੰਦਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਖਲੀ ਲਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜੀ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਕ ਬਾਜੀ ਸਨਵਰਾ ਦੀ ਬਾਜੀ ਸਨਵਰਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ ਨਾ ਹਲੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਾ ਕੇ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਜੀ ਸਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਤਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਾਰਦੀ ਆ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡਾ ਤੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤਵੇ ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਖੈਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਨੇਮਤ ਹਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਾਥ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਸੀਬ ਅਚ ਕਰੇ ਮਾਣੋ ਆ ਜਾਵੇ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾ ਲਵੇ ਹਾਂ ਮਾਣੋ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵੇ ਬਿੱਲੀ ਫਲੇਵਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਂਦੀ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਧਰ ਉਸਮਾਨ ਰਾਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਈ ਮਨਵਰ ਅਸਲਾ ਮਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਨਵਰਾ ਤੇ ਸਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਨਾ
बर्गर तो रखा हुआ है दाल हमेशा अगर दाल चावल बनाओ तो मिर्च थोड़ी जी तीखी कर ली दी इन्नी नरम होती है ना जो नहीं भी तंग है खा सकता पसंद आई मैं इन्हें कह रही थी मैं मिस्सी रोटी की रेसिपी बनानी है लेकिन कह रहे थे वो की होंगी है मैं मिस्सी रोटी है दूजी तरह इन्हें भी मिस्सी रोटी कह एक चीज़ है हम चावल आ थोड़े बहुत एक पीछे मसाले करके वो रेसिपी का नाम चेंज हो जाता है ये भी मिस्सी रोटी है मिस्सी रोटी हो तरह भी बनती है प्याज पा के मतलब ते हरी मिर्च पा के आटे के गुन के वो भी हाँ वो भी मैं रेसिपी इंशाल्लाह मैं इन्हें शेयर करूँगी मिस्सी रोटी अक्सर जरा ना टुटती रहती है ये मैं जरा थोड़ा ले के भी मैं पेड़ा पकाने लगी हूँ तो सारे मिल के खाने चेक तो करना माशाल्लाह जबरदस्त जिंदाबाद देसी घी के साथ मिस्सी रोटी का मज़ा तो बाला हो जाता आप ये नियमते हर किसी को अता करें आमीन और किसी का सदका हमारे रिस्क में भी बरकत अता करें ये थी हमारी आज की सिंपल सादा प्योर देसी रेसिपी जो आज आपके साथ आपकी भाभी ने शेयर की तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तब तक के लिए हम दोनों की इजाज़त दें अपना ख्याल रखें दो में याद रखें खुदा हाफिज़ अल्लाह हाफिज़।